नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरोल में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ, और अभी आपने सामने जो है आप देख रहे हैं इंडिया की देसी जी वैगन, जिसका नाम है बुलेरो। ये जो है बुलेरो क्लासिक है, आप इसको बुलेरो क्लासिक ही बोल सकते हैं। अब इंडिया की देसी जी वैगन इसलिए क्योंकि आप साइड से देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल मर्सिडीज़ की जी क्लास की तरह से ही लगती है देखने में। इसमें आपको फ़ीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, तो फीचर के नाम पे जो है इसमें आपको बेसिक फ़ीचर ही मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी फ़ीचर मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ABS मिल जाता है, दो एयरबैग मिल जाता है, और सब कुछ आप कह सकते हो कि जैसे कन्वेंशनल टिपिकल SUV होती है, बिल्कुल उस टाइप से रखा गया है। और बेसिकली ये जो है ना, रफ ट्रेन्स को जो है ईजिली झेल जाती है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी हाई है, लेडर फ्रेम चेसी पे है। उसके अलावा जो है पीछे आपको स्प्रिंग लिफ्ट सस्पेंशन वगैरह जो है वो मिल जाता है। तो देखिए फ्रंट प्रोफाइल पे क्या मिलता है। BS6 6.2 का जो अपडेट है वो इसको मिल चुका है, ठीक है। तो अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो स्लैड्स है वो मिल जाएंगे। ये वाला अगर आप देखेंगे तो क्रोम के अंदर है, इसका जो लोगो है नया वाला महिंद्रा का वो भी क्रोम के अंदर ही मिल जाता है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन का सेटअप मिल जाता है, हैलोजन बल्ब दिए गए हैं, प्लस ऊपर में जो कैप है वो मिल जाता है, हाई बीम लो बीम के अंदर रखा गया है। इधर अपना इंडिकेटर, और ये जो है इधर अपना पायलट लैम्प या फिर कॉर्नरिंग लैम्प, जो आप बोलना है इसे आप बोल सकते हैं। फॉग लैम्प नहीं आता है, बट अगर आप चाहें तो एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी के तौर पे लगवा सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टोइंग हुक जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे आपको हनीकॉम मिश पैटर्न जो है वो मिल जाता है। अब जो बम्पर का डिज़ाइन है वो एकदम ओल्ड स्कूल टाइप का रखा गया है, आप देख सकते हैं। सारा कुछ जो होगा यहाँ पे आपको विजिबल होने वाला है। जो इसका व्हील है ये स्टील रिम के अंदर आता है, सीएट के टायर्स जो है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। प्रोफाइल वगैरह जो है वो 215/75 R15 का स्टील रिम मिल जाएगा। फ्रंट के अंदर जो है डिस्क ब्रेक वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो स्ट्रिपिंग है वो मिल जाती है, टिपिकल बुलेरो की पहचान जो है वो है। यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर जो है वो भी दिख रहा होगा। ग्राफिक्स का जो है बहुत ज़्यादा वर्क जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे जो आपको ORVMs वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे। जो आपका एंटीना है वो यहाँ पे रखा गया है। वेंचिल की अगर बात करेंगे तो ये सिलिकॉन माउंटेड नहीं है, ये रबर माउंटेड है। प्लस यहाँ पे जो आपको वाइपर और वॉशर का सेटअप जो है वो मिल जाता है, ठीक है। जो हैंडल है आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये हिंजेस जो है ये कवर कर दिया गया है यहाँ पे, पहले जो आती थी उसमें विजिबल होता था। उसके अलावा यहाँ पे भी जो अपना जो डोर लेवर है वो भी आप देख सकते हैं। और ये स्ट्रिपिंग जो है ये पूरी कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट होकर फ्रंट फेंडर तक जो है जाती है। उसके अलावा जो रेयर व्हील है उसे भी आप देख सकते हैं, स्प्रिंग लीप पे माउंटेड है ये। और एक जो है आपका डफ का है, दूसरा जो है आपका डीजल भरने के लिए है। और अगर इसके टेल लैंप की बात करें तो क्लियर लेंस वाला सेटअप जो है मिल जाता है, यहाँ पे जो आपका इंडिकेटर है वो मिल जाएगा। और एक जो है आपका रिवर्स लैंप है, दूसरा जो है आपका इंडिकेटर होने वाला जो कि नीचे है, ठीक है। और ये जो है आपका रिवर्स लैंप है, ये जो है बैक लैंप है। और जो आपका नंबर प्लेट है वो इधर आ जाएगा इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे। फुट स्टेप वगैरह जो है यहाँ मिल जाता है, स्पेयर व्हील जो है यहाँ पे दिया गया है। अगर आप पार्ट ऑफ एक्सेसरी के तौर पे लगवाना चाहें तो इसके अंदर जो अपना व्हील कैप वगैरह है वो लगवा सकते हैं। जो आपका बूट जो है यहाँ से आप देखिए, तो व्हील के लिए जो है ये वाला कवर यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो उसका थर्ड रो है यहाँ पे, इसे आप फोल्ड करके, बूट स्पेस भी आपका यही है, थर्ड रो भी जो है आपका यही होने वाला है। प्लस जो पार्किंग सेंसर्स है, दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। इस साइड जो है आपको बोलेरो B6 ऑप्शनल की बैजिंग जो है वो मिल जाती है। B6 ऑप्शनल जो है इसका वेरिएंट है, ठीक है। सेकंड रो की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप का सीटिंग पोजीशन जो है इसके अंदर मिलता है। सेंटर के अंदर जो है आपको आर्मरेस्ट वो मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो दिख रहा होगा, इस साइड पे भी पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो दिख जाएगा। इनफैक्ट आपको चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो मिल जाता है चारों ही विंडोज के अंदर। इधर अपना थोड़ा सा स्पेस जो है वो मिल जाएगा, आर्मरेस्ट जो है वो मिल जाता है, लॉक लिवर, इधर अपना AC वेंट जो है ये मिल जाता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको वुडन ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया गया है, फैब्रिक फिनिशिंग के साथ जो इसके सीट आती है। जो इसका हैंड ब्रेक है यहाँ पे 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही आती है, ऑटोमेटिक का जो है कोई भी ऑप्शन नहीं आता है इसके अंदर, ठीक है। तो फाइनली चलते हैं हम लोग इसके ड्राइवर साइड डोर की तरफ, और एक बार जो है मैं आपको इसका इंटीरियर जो है वो दिखा देता हूँ। सब कुछ बेसिक सही मिलता है, हेडलैम्प लेबलर मिल जाएगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो मिल जाता है। गाड़ी जो है वो चाबी से स्टार्ट होगी, तो इग्निशन का स्विच यहाँ पर रखा गया। जो आपके हेडलैम्प के कंट्रोल्स है वो इस साइड है, जो वाइपर का कंट्रोल है वो इस साइड है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं हम लोग,
तो जो वाइपर का कंट्रोल है इस साइड है, स्टीयरिंग व्हील जो है कोई भी कंट्रोल्स नहीं आते हैं, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, बट महिंद्रा को लोगो वो जरूर मिल जाएगा। दो एयरबैग्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ब्लूटूथ वगैरह को सपोर्ट कर लेता है, कॉल वगैरह जो है कनेक्ट डिसकनेक्ट, FM वगैरह जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगा, मैनुअल AC जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है हीटर के साथ में, 12V का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, दो AC वेंट्स जो है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिजिटल क्लॉक जो है वो मिल जाता है, हैजार्ड लैंप का स्विच यहाँ पे रखा गया है, जो आपका स्पीडोमीटर है वो आपको डिजिटल फॉर्म के अंदर मिलता है, यहाँ पे सारा कुछ आप देख पाएंगे। MID जो ये फिलहाल जो है वो किए हुए अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास, तो इग्निशन जो है हम लोग ऑन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स जो है वो मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पे है, अपना ग्लास जो है आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो एक बार जो है हम लोग इसके बोनेट को ओपन करते हैं और देख लेते हैं, तो बोनेट जो है वो आपका यहाँ से जो है ओपन हो जाएगा, आप इसके बोनेट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका बोनेट ओपन करने के लिए, देखो कुछ इस टाइप का लीवर जो है यहाँ पे मिल जाता है, ये जो है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए है। ठीक है, एक चीज़ क्या अच्छा लगती है कि आप महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं जैसे आप इनका बोनेट ओपन करते हैं तो इनका इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि जो आपका जो हैजार्ड लैंप है वो ऑन हो जाता है, पार्किंग वाला लाइट जो है। तो बोनेट जो है यार हैवी है यार, वाकई में बोनेट हैवी है, हैवी फील हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको इंसुलेशन का वर्क जो है वो मिल जाता है, तो ये जो है काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आप इसके डीजल इंजन को देख सकते हैं, एग्जैक्ट पावर स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या अपने डिस्प्ले पे चेक कर लेना। हालांकि ये जो है 3 सिलेंडर का डीजल इंजन है, पहले 4 सिलेंडर के अंदर आया करता था। और यहाँ पे अपनी बैटरी वगैरह जो है वो आप देख पाएंगे, इस साइड जो है आपका एयर इनटेक वगैरह जो है इस साइड में रखा गया है। तो चलो हम लोग इसके बोनेट को जो है बंद कर देते हैं। तो फिलहाल जो है इसका बोनेट बंद हो चुका है, और इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है वो अपने डिस्प्ले पे आप देख लेना, जो एक्सप्रोम प्राइस होगा, जो ऑन रोड प्राइस होगा वो मैंने मेंशन कर दिया। उसके अलावा सेफ्टी फीचर के अंदर 2 एयरबैग आ जाएगा, EVS आ जाएगा, बस इतना ही मिलता है सेफ्टी के अंदर। काफ़ी बढ़िया रगेड और देसी SUV है, रफ ट्रेन वगैरह को ईजिली झेल जाती है, हाईवे पर भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको फटाफट से जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।